नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। अगली खबर में बात करते हैं कानपुर देहात की, जहां जिलाधिकारी नेहा जैन के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे के मार्गदर्शन में जिला प्रोबेशन अधिकारी चंद्रभूषण सिंह के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय कानपुर देहात में कन्या पूजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कन्या भोज का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी व अतिथि के रूप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धि पांडे, जिला सेवा योजना अधिकारी अंजलि शर्मा आदि लोगों की उपस्थिति में जवाहर नवोदय विद्यालय व कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। तदुपरांत मुख्य अतिथि राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला तथा जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला सेवा योजना अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी चंद्रभूषण सिंह व विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा कन्याओं के पैर धुलकर टीका किया गया तथा कन्याओं को उपहार प्रदान किया गया। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला द्वारा बच्चों को संबोधित करते हुए कहा गया कि बच्चों को अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक क्रमबद्ध तरीका अपनाकर उसका पालन करना चाहिए तथा बालिकाओं को नारी शक्ति, नारी स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ने तथा समस्याओं से लड़ने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ओझा द्वारा महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आदि की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही बालिकाओं को आत्म सुरक्षा की जानकारी भी दी गई एवं विस्तृत चर्चा करते हुए आपातकालीन सेवाएं जैसे 181, 1090, 112, 1098, 1076 आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। व्यवस्था कराई है, सभी टीचर्स ने बच्चों की पूजा करी है। मैम, जवाहर विद्यालय में आए हैं जवाहरलाल, उसमें क्या कार्यक्रम था और क्या कहना चाहिए? देखिए, नवरात्र का पावन पर्व है और हमारे मुख्यमंत्री की मंशा है कि हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत कार्य करें, जिसमें हमारी जिलाधिकारी महोदय नेहा जी है और सौम्य विकास अधिकारी और रिद्धि जी भी हैं, सारे लोगों ने मिलकर एक संकल्प लिया। माननीय मंत्री जी द्वारा अभी पूरे जनपद में बात करें तो 70,000 और नवोदय विद्यालय में 251 कन्याओं का कन्या पूजन और कन्या भोज संपन्न करने के उपरांत मैम का यहाँ काली माता मंदिर में आगमन हुआ है। बहुत सुंदर मुकुट त्रिवेदी जी ने यहाँ पे मैम के करकमलों द्वारा माता जी को भेंट कराया है। वहीं दूसरी ओर आज बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम लोग आप सबके बीच में आए और आप सबकी भी बात सुनने का मौका मिलेगा। रोशन मऊ जो हमारा ग्राम पंचायत है, मैं प्रधान जी से चर्चा कर रही थी कि किसी भी ग्राम पंचायत के विकास के लिए, ग्राम में विकास के लिए कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, स्वदेशी, स्वच्छता। ये 4-5 चीज़ें अगर हमारे गांव में हो जाए तो हमारा गांव सतत विकास लक्ष्यों में, ग्राम में विकास के हर पैमाने पे, महिला कल्याण बाल विकास के हर पैमाने पे विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। बहुत ये सौभाग्य का विषय है कि हमारे शक्ति स्वरूप हमारी माननीय मंत्री जी के द्वारा लगातार नारी सशक्तिकरण के लिए, महिला कल्याण के लिए, कुपोषित